सो गाइस ये रहा कुछ सरप्राइज। आ गए भाई घर पे, घर वालों को लाया अभी बाहर। कैसी लगी? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आज भाई लोकेशन चेंज, मैं आ गया भाई रंजीत भाई के घर पे। रंजीत भाई से हम उधर सांबा में मिलते रहते हैं, तो उधर भाई जा रहे हैं। सांबा है भाई के घर आए थे शाम को। घर मतलब नया रोड से 15 से 20 किलोमीटर अंदर है लिंक रोड पे। गाँव गाँव से निकल रहे हैं अभी, बस सांबा जाना है क्योंकि जब जम्मू जाना है भाई को अपने काम पर जाना है। वहाँ से लेकर बस सीधा जम्मू, देखते हैं जो अगला काम है। भाई वहाँ से मैं आ गया था, बस में बैठा, मैं पहुँच गया जम्मू। ये जम्मू आ गया एशिया चौक, और मुझे यहाँ पे ही काम है जिस काम से हम जा रहे हैं। सरप्राइज़ भाई के पास, तो भाई का हमें इंतजार करते शायद वो लेने आएंगे, तो मैं यहाँ से ऑटो लेता हूँ क्योंकि वो आगे थोड़ा काम कर रहे हैं। पर कॉल कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। सबसे पहले तो रोड क्रॉस करेंगे अभी, तो यहाँ पे ही करते हैं वेट, देखते हैं। खुशी भी है और डर भी है क्योंकि घर पे बताया नहीं है, घर के लिए सरप्राइज़ है। अभी आपको भी दिखाऊंगा कैसा, अभी तक आपके लिए भी सरप्राइज़ चल रहा है। इंतज़ार करें वो आए, फिर आपके पास आपको सरप्राइज आज ही रिवील हो जाएगा क्योंकि वीडियो आएगी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैं घर पहुंचाऊंगा। और कल का वीडियो ब्लॉग तगड़ा रहने वाला है क्योंकि घर वालों का रिएक्शन नहीं, आज शाम को भी आ सकता है रिएक्शन, लेट हो गया तो फिर कल रिएक्शन आएगा क्योंकि रात को नहीं जाऊंगा घर पर, फिर किसी फ्रेंड के पास रुक जाऊंगा। देखते हैं कैसा रहता है रिएक्शन उनका, कैसी उनकी खुशी रहती है क्योंकि मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पर, थोड़ा मोटा खर्चा हो गया। जितनी सेविंग्स थी मेरा ऐसा है ना भाई, मैं थोड़े पैसे रखता हूँ अपने पास सेविंग्स, बाकी अपने शौक पूरे करता रहता हूँ। जैसे आईफोन लिया, अभी गाड़ी ले ली, क्योंकि ऐसा जिंदगी है कुछ पता नहीं। अपनी ड्राइविंग लाइन में ना देखो यार, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, घर से सब पैसे कमाने निकलते हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। अपनी जिंदगी कुछ पता नहीं है कि आज है कल नहीं है। माँ बाप ने बहुत किया, बस हमारा फर्ज है, मेरा यही है कि माँ बाप के लिए कुछ करो। आईफोन ले लिया, वो खुद पर खर्चा था, वो आपको वीडियो अच्छी चाहिए थी सो उस पर इन्वेस्ट किया, बस अब आ गया पेरेंट्स के लिए गिफ्ट। बस अब धीरे धीरे भाई को गिफ्ट करना है गौरव को, छोटे भाई को, बस फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कमा रहे हैं। करते हैं इंतजार अभी और भी। मैं गाइस खुद ही आ गया अभी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम कर रहे थे वो, कहते फिर वो आते फिर मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ता, जिससे वहाँ पे कुछ बातचीत हो जाएगी अपनी जो भी है। तो यहाँ से ऑटो ले लिया, अब सीधा निकलते हैं। आ गई सो गाइस, ये रहा कुछ सरप्राइज। बस अब यहाँ से थोड़ी वॉश हो रही है, जो भी है आपको दिख गया होगा क्या है। तो बस हम जहाँ से निकलेंगे थोड़ा इसका हल्का सा काम करवाना है, वहाँ से निकल फिर आपको अच्छे से रास्ते में बताते हैं। अभी वैक्यूम क्लीनर चल रहा है इस पर। सो अगर जिस भाई अभी तक गैस कर दी, बता दो भाई कौन सी गाड़ी है, फुल तो मैं दिखाऊंगा भाई थोड़ी देर में। तो फाइनली यहाँ से अब निकल गए, अब बस हमें जाना है अपने नरवाल। अब थोड़ा सा काम है उसके बाद फिर आएंगे, क्योंकि रास्ता यहाँ से निकलता है घर जाने का, तो बस फिर घर ही निकलेंगे। वहाँ पर एक आध घंटे में शायद हो जाए अपना काम फ्री। तो भाई लोग ये रही गाड़ी, टाटा की सफारी डाइगोर, ये है भाई 12 मॉडल, बट इसमें लेदर चेक करवाने हैं पीछे वाले। बस ऑयल वगैरह सर्विस हो रखी है, कितनी चली कितने में ली क्या किया, अब जहाँ से निकलने के बाद बताएंगे। ये नरवाल था, यहाँ पे हम ट्रकों का काम करवाते रहते हैं, बस यहाँ पे अब थोड़ा बहुत इसका करवाना यही, और एक तो और छोटे छोटे काम है तो चेक करवा के, बाकी सारा गाड़ी का काम ओके हुआ है। ये यहाँ से थोड़ा सा कलर उतरा, इसको वाइट टेप करवा लेंगे बस, बाकी बढ़िया है। तो निकलेंगे क्योंकि दो बज गए और मैं लेट हो जाऊंगा घर के लिए, मेरे घर का रास्ता यहाँ से 3 घंटे का है। चल रहा है भाई अभी काम, इसका बुश था वो डालेंगे, उसके बाद आगे वाले टायर की अलाइनमेंट करवानी है, बस बाकी काम सब ओके है, फिर निकलेंगे सीधे ही क्योंकि घर में कल फंक्शन भी है घर के पास, तो वहाँ भी जाना है। तो फाइनली भाई सारा काम अपना हो गया, बज गए शाम के 4 और निकलेंगे अभी यहाँ से, तकरीबन 6:30-7 बजे पहुँचूंगा घर पर ही। अभी जम्मू सिटी से निकल रहे हैं। ओ भाई फाइनली आज फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में खुद के पैसों से डीजल। ये देखो भाई इंटीरियर कुछ, बस अब पैसे देते हैं निकलेंगे, उसके बाद फिर आगे दिखाता हूँ आपको पूरा रिव्यू, जो मैं खुद लेके चलता हूँ यहाँ से। फिर आगे 2 फ्रेंड है अपने, उनको अपने साथ लेके जाना है। तो भाई पोल्यूशन पर्ची काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इन गाड़ियों में RC इंश्योरेंस और पोल्यूशन पर्ची रहती है, तो बस अब पोल्यूशन पर्ची बना रहे हैं। और उसका मुझे लेना है चार्जर की सॉकेट, मतलब वो लगता है ना इस पर प्लग लगता है वो 12 वोल्ट वाला, तो वो लेना है क्योंकि फ़ोन डेड होने वाला, और आज ब्लॉग भी अपलोड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार। सुबह से नेटवर्क पे थोड़ी पेमेंट वगैरह करनी थी, वो भी कुछ भी नहीं हो रही है। तो अब निकलेंगे बस, आगे 2 अपने एक भाई हैं, वो भी उनको वहीं जाना था तो इंतज़ार कर रहे हैं वो भी। तो मैंने बोला जरूरी किराया देकर जाना भाई यहाँ से, क्योंकि 250 रुपये किराया है मेरे घर तक, तो जिसके थोड़े पैसे बच जाएँ भाई, क्योंकि मेरे तो जाइए, मुझे खाली भी ले जानी है, लोड भी ले जानी है, इस पर टेंशन नहीं है। तो अब आगे ही रुकेंगे, अच्छे से रिव्यू करवाऊंगा, नहीं तो मॉर्निंग में ही करवाऊंगा भाई कैसी रही गाड़ी। और कल वाली वीडियो भाई देखना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि कल
रिएक्शन आने वाला है पापा और मैं कैसा, क्योंकि गाइस पापा को बिल्कुल नहीं पता है ना मम्मा को पता कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ। और एक इंसान गाड़ी था स्विफ्ट हो गया छोटी गाड़ी, चाहे नहीं भी लेगा वो अलग दिखती है। अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हो थोड़ी ऑफ रोड वाली, चाहे वो थोड़े लो मॉडल ले रहे हो, अलग से दिखती है। कहीं आप ना खड़े होते हो अलग से दिखते हो। बस अब यहाँ से निकलते हैं, टाइम से घर पे पहुँच जाएँ आराम से। ब्लॉग वगैरह भी ऐड करेंगे, बस ये अपलोड नहीं हो रहा इसकी टेंशन है। अगर अपलोड हो गया तो रुक के थंबनेल बनाऊंगा। फाइनली गाइस अपनी गाड़ी पे, और फर्स्ट टाइम मैं सफारी चला रहा हूँ। और अभी आगे एक दो फ्रेंड है, उनका वेट करना पड़ेगा इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही। अभी तो काफ़ी अलग लग रही है क्योंकि ट्रक के बाद छोटी गाड़ी मैंने बहुत कम चलाई है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर 2-4 किलोमीटर ही आएगी उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो गाइस फाइनली भाई आज अपनी गाड़ी में, काफ़ी खुशी है। और आप सबका भाई दिल से थैंक यू, आपका प्यार और सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँच पाए। पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कितने के लिए, भाई सस्ती ली, इतनी महंगी नहीं ली। और ये 2012 मॉडल है और मैंने इतनी छोटी ली भी नहीं थी। कोश भाई को कहेंगे कि आपने इस पर इसको लेके गलत किया, कुछ और गाड़ी ले लेते। सो भाई ऐसा था ना, मुझे ना थोड़ी ऑफ रोड की गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि जब मैं घर में जाता हूँ तो आप भी कहते हो भाई ब्लॉग नहीं आ रहे अच्छे से, ब्लॉग नहीं आ रहे। सो थोड़ा ऑफ रोड की गाड़ी होगी तो उसको आपको भी देखने में मज़ा आएगा और मैं भी अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगा। तो अभी तो भाई भूख लगी है दबा के, थोड़ा तो दिन को खाना खाया था। एक ना होती है खुशी होती है जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं उसकी खुशी होती है, तो भाई तब तो भूख नहीं लगी, पर अभी लग रही है। अभी दो फ्रेंड हैं वो आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि तो वो कब तक आते हैं फिर निकलें यार, क्योंकि लेट हो ही जाएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना घर में पता नहीं, अब मुझे भी डर लग रहा है कि घर में कैसा रिएक्शन रहने वाला है सबका। सो गाइस अंदर से कुछ ऐसा इंटीरियर है, थोड़ा पुरानी गाड़ी है, इतना तो हो गई भाई देखो। बाकी बेल कंडीशन ओके चल रही है। ये दूसरी सीट आ गई, ये अभी लिया मैंने पॉइंट, क्योंकि मेरे को फ़ोन बिल्कुल डेड हो गए थे अभी इस। और मस्त है यार फैमिली के लिए, अगर जाना हो एसी भी है, बलोर भी है। अगर हम इसको श्रीनगर भी ले जाएंगे तो भाई अच्छा हीट देता है, तीन यहाँ पे बैठ जाएंगे, एक एक बंदा पीछे भी बैठ जाएगा। वो तो पीछे तो पूरी डिक्की आ गई, बाकी यहाँ पे मेरे ही बैग पड़े। तो गाइस अंधेरा पड़ने वाला और निकल गए अभी अपना। इस रोड में ना थोड़ी दिखते हैं क्योंकि काम चल रहा है 4 लाइन का, आने वाले टाइम पर तो मस्त होने वाली है। बस अभी है थोड़ी दिक्कत, अपने कार्तिक भाई भी आ गए, तो दूसरे भाई थे वो तो लेट हो रहे थे, फिर मुझे भी टाइम से निकलना था तो वो कहते आप निकलो। तो चल रहे हैं धीरे धीरे आराम से, क्योंकि अब काफ़ी दिन के बाद छोटी गाड़ी चला रहा हूँ और बिल्कुल आराम से चलेंगे। अब रास्ता तो काफ़ी ख़राब है, देखते हैं अब 7 बजे तक पहुँच पाएँ, 8 बजे तक पहुँच पाएँ। अब घर से भी डर लग रहा है क्या बोलेंगे, पहले तो लगा नहीं, अभी सही डर लग रहा है कि क्या बोलेंगे घर वाले। ये आ गया गाइस अखनूर ब्रिज, ये वही नदी है जो हमें रामबन जाने को जाते हुए देखने को मिलती है। अभी इसमें पानी बहुत कम हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही ना। और अपना घर यहाँ से 70 किलोमीटर होगा, 70 से कम ही होगा, 60 होगा अब। पर अब पहाड़ हैं, अब पहाड़ों का व्यू है, पर आपको दिखाते हैं रुक रुक के क्योंकि ट्रक में हम रुक नहीं पाते, पर अंधेरा पड़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। आपसे व्यू ही देखना, अगर गाड़ी श्रीनगर गई मैं नहीं गया, 3-4 दिन में घर पर ही हूँ, फिर हमको नई नई जगह घुमाएंगे। तो बस गाइस पहाड़ों के बीच से ही निकल रहे हैं, अपना घर 30 किलोमीटर रह गया होगा ओनली। और अब जिन भाइयों को पता लगा मैं घर आ रहा हूँ ना, बस घर से कॉल आने स्टार्ट हो गई है। अपने घर जाने वाला रास्ता भी भाई ऑफ रोड से तो काम नहीं है। अभी कितनी जगह की इतने खट्टे फिर जाम लग गया यहाँ पे, सिंगल सिंगल रास्ता ना तो जाम लग रहा है। आगे अपने दोस्त यार वेट करें, मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, पर भाई गाड़ी है ना सरप्राइज देने के कुछ और, क्योंकि तेज़ नहीं चलेंगे अभी बिल्कुल जब तक इस पर अच्छे से, पहले तो कल इसकी थोड़ी पूजा करवाएंगे, क्योंकि चाहे सेकंड हैंड पर हमारे लिए नई और मेरी फैमिली की पहली गाड़ी, मतलब ट्रक भी था पर ट्रक एक अलग सेगमेंट में आता है, ये एक अलग में है। बिल्कुल 20-30 की स्पीड में, क्योंकि ट्रकों की लाइन है ना, ट्रकों के साथ ये चलना पड़ रहा है। पहुंच के भाई यहाँ पे एक यहाँ पे भाई को छोड़ना था, लविश भाई को मैं साथ ले, यहाँ से लेंगे वापस टर्न। लविश भाई गाड़ी का मुआयना करते हुए लविश भाई हमारे गाड़ी चेक कर रहे हैं कैसा हिसाब है। ये आ गया अपने गाँव का ब्रिज, वो जहाँ से सामने गाड़ियाँ जा रही हैं ना वो ही अपना मतलब मेन स्टॉप। ये जो मुगल रोड से भाई लोग जाते हैं उनको सबको पता होगा, हम तो आगे चले गए थे घर से ना छोड़ने के लिए। अभी मैंने घर में फ़ोन किया कि पापा का मूड कैसा है, पापा ठीक हैं, तो वो कह रहे आ जाओ कोई नहीं। मैंने पापा को, फिर मैंने भाई को बोला, पापा को बोल देना सोना नहीं अभी बस मैं पहुंचने वाला हूँ 5-6 मिनट में, तो सबके लिए एक सरप्राइज़ है। अब रात को ही कर देंगे, पहले सोचते कल रिवील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल अच्छे से पापा से पूछेंगे ना कैमरे के सामने कैसी लगी, आज तो सिर्फ बताएंगे। फाइनली अपने गाँव की गली, अपने घर की गली में, यहाँ से हम ट्रक भी लेके जाते हैं। का बोनट काफी बड़ा है ना तो दूर तक दिखता है, मतलब बोनट आया था कैमरे में। पापा
तू सारे पापा ने चंगा फूल लग गया पापा चलो बीमारी बड़ी सी तू ऐसा खुला दौड़ दी सी बस बंद कर आ गए भाई घर पे, घर वालों को लाया अभी बाहर। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी यार, दो दो कुएं तो खड़े कर दी बेड़े में। कुएं दादी कैसी लगी? देखा वो सुबह हुआ क्योंकि स्पीड पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ पे जे एंड के में, कुछ टाइम से स्पीड कम है। बस यही रखेंगे, अब सुबह ही जाएंगे घर से निकलेंगे, अब करेंगे आराम, थक के बिल्कुल स्टॉप नहीं रास्ते में, सीधा घर पे ही। अभी तो भाई कुछ भी लेके नहीं है घर के लिए, बस अब जाएंगे बाइक लेके वापिस। तो मुझे था कि पहले घर में बताएं, मतलब मैं एक चीज़ सबसे कहना चाहूँगा, जो ये खुशी होती है ना कि हाँ फैमिली वाले, देखो अक्सर घर पे होता है ना घर वालों को हम नमस्ते करते हैं, मतलब वो एक जैसे हम दोस्त से हग करके मिलते हैं, वो घर वाले बड़े खास मोमेंट में, रियल मोमेंट में करते हैं, तो आराम से बातचीत करो। तो मैं घर वालों को प्राउड फील होता है कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ किया। मेरे को भी पहले था डर, पर ऐसा कुछ नहीं है, पापा भी खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश, मतलब मैं भी कह नहीं सकता ना मैं बता सकता, आप समझ सकते हो। एक तो उन्होंने एक चीज़ सोची भी नहीं यार, उन्होंने पता क्या सोचा था, मेरे भाई ने ना मम्मी को बोला कि कोई सरप्राइज़ आ रहा है, मम्मी ने सोचा कि वो कैट लिया ना, कैट आ रही है, मम्मी मुझे पता है, मम्मी ने कैट सोचा उसको कैट और कहा है गाड़ी, अब कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी की चाबी, अब मम्मी और कहीं जाना होगा कम से कम किसी से, बाइक पर दिक्कत होती है, नानी के घर जाना, मासी घर बना, बाइक भी चलाएगा, मतलब मेरा यही है यार, मैं जितना भी कमा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए। अब मैं रुकूँगा 3-4 दिन का, जैसे करेंगे ऑफ रोड। सो अगर भाई देखो यार इतना ही मेहनत की, ये लाया सरप्राइज़, तो भाई 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं भाई, अगर 10,000 लाइक करते हो भाई, देखो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, तो हमें मोटिवेशन आता है, मैं और इससे बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए। सो अभी जाते हैं पहले मार्केट पे, फिर खाना देखते हैं घर उन्होंने क्या बनाया, बाइक निकालते हैं। अब ठंड तो है पर कोई दिक्कत नहीं है, खुशी भी है बहुत। और ये देखो हमारा, इसका अब उस प्लीज़ भाई इसका नाम होता, तो उसका नाम क्या, हमारे घर का नाम जानी है, इसका क्या नाम रखें यार, इसका तो खूंखार सा नाम होना चाहिए, ये हमारे दो डॉगी। मतलब जहाँ गए थे चिकन भी ले आए, फ्राइड वाला और सब्जी बनी है, मशरूम, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मशरूम ही बोलते हैं, मशरूम, हम तो मशरूम बोलते हैं। यहाँ पे खा रहे खाना, बस फिर करेंगे आराम मस्त बिस्तर में अपने, यहाँ पे श्रीनगर के मुकाबले ठंड कम है। हो गया खाना, अब आया मीठा खीर बनाइए, अब हमारे डॉगी के लिए खाना, हमारे जो दो हैं डॉग उनके लिए खाना जा रहा है यहाँ से। सुबह बज गए रात के 10:30 और ऑलमोस्ट मेरा ब्लॉग सारा ऐड हो गया है, तो बस एक क्लिप रह गई थी, इसको डाल के करेंगे ऐड, क्योंकि घर पे हैं तो टाइम से सोएं थोड़ा, क्योंकि ट्रक पे, ये नहीं कि ट्रक पे हम टाइम से नहीं सोते, अच्छे से नहीं सोते, ट्रक भी है पर घर पे, घर का बिस्तर अलग है एक। तो बस अब आपसे ये बात कहना चाहूँगा, जो वीडियो का टारगेट हमने रखा है 10,000 लाइक्स का, वो आप पूरा करें जल्दी जल्दी, और बताएं हम गाड़ी का नाम क्या रखें। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर कल, इससे कुछ थोड़ा ऑफ रोड भी करेंगे और अपना गाँव दिखाएंगे, जहाँ पे घर के पास कुछ फंक्शन है, एक मंदिर है वहाँ पे, जग है, तो वहाँ पे भंडारा होता है, तो पूरे गांव वाले वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी हमें काम करवाना है, क्योंकि गांव के लड़के ही जाते हैं वहाँ काम करवाने, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे तो वहाँ पे जाएंगे। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर, टेक केयर, बाय बाय।